गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो चौथे नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। व्लॉग तो मैं हमेशा एक दिन पहले वाले ही मतलब डालती हूँ, आपको पता है। कल वाला व्लॉग डालूंगी जो मैंने डाला था। और ये रही नवरात्रि मैया। मैया रानी आपके सारे सपने पूरे करे, सारी इच्छाएं पूरी करे, इसी शुभकामना के साथ करती हूँ आपका वेलकम अपने न्यू व्लॉग में। सुबह की अपडेट है और ये वाली साड़ी जो मैंने पहनी है ये मिलेगी आपको कल देखने के लिए, क्योंकि इसका जो प्रॉपर आज का व्यू होगा, सारा वर्क टाउन क्या मैं बनाऊंगी, क्या करूंगी, वो सब आप देखेंगे कल के व्लॉग में। तो एंजॉय करते रहिए इसी तरह से। लाइक शेयर कमेंट तो आपका पसंद आता है तो जरूर कीजिए, अदरवाइज तो वेलकम ही वेलकम है। तो हेलो एवरीवन, तो पूजा तो हो ही गई थी, मुलाकात आपसे मैंने कर भी करी थी इस वाली साड़ी में। बहुत ही प्यारी साड़ी है, मोर का पैच बन रहा है इसकी। और यहाँ मेरी चाय वगैरह रेडी हो गई है। आपको तो पता ही है मैं कितनी टी लवर हूँ, और खाने में जो व्रत वाले नहीं है उनके लिए मैंने बनाया है यहाँ पर घिया कोफ्ते की सब्जी, यम्मी और टेस्टी। और यहाँ पे बनाए हैं चावल जो मेरे बच्चों को, और क्लीनिंग वगैरह मेरी सारी हो चुकी है, मैं वॉश कर लिया है। बहुत अच्छा मन लगता है, पूरी क्लीनिंग ऑल टाइम हमेशा रहती है बिल्कुल सफाई के साथ, क्योंकि क्या होता है वैसे जैसे चलती रहते हैं तो सबके सब इधर फैलाए उधर फैलाए, अब नहीं फैलाएगा कोई भी, ये तो बिल्कुल तरीके वाली बात हो जाती है। और अब डालूंगी मैं अपनी चाय, और चाय के साथ मैंने क्या बनाया वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, क्योंकि शिवम आने वाला है, स्कूल गया है वो भी व्रत रहा है। मैंने तो उसे बोला था कि तुझे स्कूल जाना है, रहना है, रह बेटा, नहीं रहना है। मैं इंसिस्ट नहीं करती हूँ किसी को भी, मर्जी की टॉपिक है। और ये व्रत की चटनी मेरी बनी रखी है, मैंने थोड़ी सी पकौड़ियाँ उतार दी उसके लिए। और यहाँ बनाया मैंने चिप्स, अब करूँगी, मैंने माता रानी को भोग लगा दिया वो देखो, उसके बाद अब मैं करूँगी थोड़ा सा चाय नमस्ते नाश्ता, क्योंकि ना मेरे ना व्रत में सर में दर्द होने लगता है, गैस बनती है, अगर मैं व्रत का थोड़ा सा नमक का खा लूं तो मैं आराम से रह सकती हूँ। तो चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत। तो प्रथम व्रत था शैलपुत्री माता का, दूसरा व्रत था अपने ब्रह्मचारिणी माता का, तीसरा व्रत था चंद्रघंटा माता का, और आज है कुष्मांडा माता का। और मेरे यहाँ पर थोड़ा सा काम चल रहा था, विंडो वगैरह जाम हो गई थी, तो मैंने करवाया यहाँ पर गेट, तो मैं इन्हें ही देख रही थी। फिर मैंने कहा आगे का काम काफ़ी बड़ा हो जाता है तो ये सब करा देते हैं फिर चलेंगे, क्योंकि विंडो कभी भी बंद नहीं रहनी चाहिए। क्या है कितनी सुंदर आज सुबह की जो आरती होती है उसमें बच्चे वगैरह स्कूल भी जाते हैं कभी कभी, टेस्टिंग वगैरह चल रही है, आगे के कोर्स स्टार्ट हो गए हैं, तो माता रानी की कृपा से मेरे बच्चे अपने ग्रो अप जो इंटर होती है बोर्डिंग क्लासेस उसमें आ चुके हैं। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, शाम के टाइम की आरती है ये, और उसमें हम सारे के सारे ज्वाइन करते हैं क्योंकि प्रॉपर तरीके से होते हैं। मॉर्निंग में भी हम हमेशा जो भी
पॉसिबल हो सकता है, साथ के साथ ही पूजा करते हैं। बहुत अच्छा लगता है एक साथ पूजा करने में। दूसरा नवरात्र, हैप्पी नवरात्र। कौन मिल रहा ना, जो हो गए हमारी। हेलो एवरीवन, सेकंड नवरात्र स्टार्ट हो गया और हमारी बनी आज आलू टमाटर की सब्जी और गर्मा गर्म कचौड़ियां आलू मिक्स सब्जी है। और ये रही हमारी सब्जी, और सुबह की मॉर्निंग से लेके थकान में बिल्कुल ऐसी हो गई है सारी, आप देख ही रहोगे। और ये बन रहे सुनील जी के लिए करारी करारी, भोग में लगा चुकी हूँ। और किसकी यहाँ बनती है ऐसी कचौड़ियां, देखो ढंग से बना दे। और देखो देखो कचौड़ी कैसे बनती है, शिवा दिया आओ। अब जाएगी सुनील जी के पास, उन्हें लग रही बहुत तेज है। शिवा नवरात्रि की, तीसरे नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये मेरी अगली हो रही है, सुनील जी बैठ के पूजा करो। और ये हो गया है नेक्स्ट डे, मैं और सुनील जी ही करेंगे आज पूजा, बच्चे स्कूल गए। और पूजा वगैरह सारी प्रॉपर तरीके से करके मैं चली गई थी जल देने के लिए। देखिए पहले सुबह सुबह के व्रत में जब स्टार्ट करते हैं इतनी शांति मिलती है, इतना सुख होता है। और जल देने के बाद हमारी पूजा का जो भी हमने मांगा होता है भगवान सच में सच्ची श्रद्धा से पूरा करते हैं। और वो लिया है भैया, वो दे देखते हैं। एक तो जूना दे दो, स्टील का जूना, और वो दिखा दो इयररिंग्स। इयररिंग्स है कान पे, हाँ इस तरह के जैसे दिखा। तो नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं तो चलती रहेंगी हमेशा की तरह, क्योंकि 9 दिन के नवरात्र हैं। और लेकिन मेरे बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, ये आ गया मेरा लड्डू, और अब आ गए कौन सी क्लास में, 10th क्लास की तैयारी कर रहा है। उसके बाद मैंने बनाया इसके लिए क्या टेस्टी टेस्टी यमी यमी पोहा, जो मैं मिलाने जा रही हूँ। और ये तो खाता है धनिया के साथ, और सेजल धनिया नहीं खाता है, इसलिए धनिया नहीं डालूंगी। और इसी तरह से पहले अपने बच्चों का पेट भर जाए, उसके बाद नवरात्रों का लुत्फ उठाया जाता है। अपने लिए मैंने सुनील जी के लिए और अपने लिए बना लेते चिप्स और चाय,
यहाँ इसका पोहा पहले टेस्ट करके बताएंगे मुझे कि कैसा लग रहा है, उसके बाद फाइनल। ठीक है, यम्मी यम्मी। तो कैसा लग रहा है पोहा लुक में? बढ़िया। नमक? अच्छा, ये करेगा पोहा एंजॉय और मैं करूंगी अपनी चाय। चलिए इसी तरह से, और आज मैंने पहनी है नई झुमकियाँ, कैसी लग रही है मुझे जरूर बताइएगा। झुमकी पीके तो अकेली आए छत 575 की है, पीके 575 की है। ले से भी मूंगफली तो खा ले, मूंगफली खा सके। कितना सुंदर लग रहा है, सबसे बढ़िया लग रहा है कबूतरन का घर। यू आदमी दिख रहा तो तुम आज तक सबसे ज्यादा मेरे कबूतर, तुम्हारी वजह से ही तो ये सब है। कबूतर मैं जब प्रोफेशन करो बिजनेस तो उसमें नंबर। आज जाने वाले थे, खबर मिली तो ऐसे डर है ये कबूतर। पाइप लगाएंगे ऐसे, इसकी छतरी कहाँ गई इसकी? छत का व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, लेकिन 5 मंजिल पर चढ़ना बहुत रोज़ रोज़ का पॉसिबल नहीं होता है। बस मैं और शिवम अब आए हैं छत पर, और सुनील जी क्या करते हैं प्लम्बरिंग का हर एक काम, ऐसा नहीं है कि दूसरों पे करवाएं, कुछ काम वो खुद भी कर लेते हैं। और उनका ये प्रोफेशन से अलग वाला मतलब शौक है, जो कबूतर वो रखते ही रखते हैं। इनका मानना है कि जैसे जंगली कबूतर है, किसी को कुछ अनदान अपने हाथों से डाल दिया जाए। यहाँ मैं और शिवम कर रहे थे मस्ती, थोड़ी बहुत जो भी हमें पॉसिबल लगती है मज़े के लिए हम वो सब करते रहते हैं। तो यहीं पर, और जितने भी प्लम्बर का काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, ये काम सुनील जी अपने आप खुद ही कर लेते हैं। हालांकि इनका अथॉरिटी वर्क भी है, अपना टिक्स लाइन में भी है, अपना बिजनेस भी करते हैं। तो यहाँ पर हम आए हैं मस्ती करने के लिए। कैसा लगा मेरा सूट मुझे ज़रूर बताइएगा। ख्याल से आदमी को जो भी अपनी रिस्पांसिबिलिटी है पहले वो करना चाहिए, और अपनी मर्जी का शौक कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहिए। ये एक लाइफ है, तरीके से जिए तभी हमें संतुष्टि होती है। जो हमने चाहा वो हमने कर लिया। तो वही सुनील जी हैं, पहले हमारी बहुत केयर करते हैं, उसके बाद इनकी बहुत केयर करते हैं। तो हैप्पी रहिए लाइफ में, खुश रहिए, जैसे आपका मन करे वो तो ज़रूर ही कीजिए, ताकि आपको गिल्ट ना रहे कि आपने कुछ नहीं किया जो आपका मन था। तो लेकिन बच्चों के लिए कमाएं धमाएं उसके बाद। चलिए बाय बाय एवरीवन, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, एंजॉय करते रहे मेरे व्लॉग।